हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। थ्री क्लास में हमने न्यूट्रिएंट्स मटेरियल पढ़ रहे हैं, वो पोषक पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए, दैनिक जीवन की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट पिछली क्लासेस में पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पढ़ा और प्रोटीन के बारे में, आज हम फैट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और फैट्स के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये हमारे दैनिक जीवन के लिए या हमारी बॉडी के लिए इसका क्या महत्व है और ये क्या भूमिका निभाता है। तो फैट जैसा कि हम आप जानते हैं कि जो कहते हैं कि बॉडी में ये फैट जम रहा है, कोई कोई मोटापा आने लगता है, तो फैट इसे भी कह सकते हैं। फैट एक्चुअली में ये भी हमारी बॉडी में ऊर्जा प्रदान करता है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी प्रदान करता है और ये फैट जो होता है, ये फैट हमारी बॉडी में जमा हो जाने पर ये धीरे धीरे हमें एनर्जी देता रहता है। एक तो ये हमें एनर्जी प्रदान करता है, दूसरा ये हमारी बॉडी के ताप को भी रेगुलेट करने का प्रयास करता है। अर्थात जो हमने बताया था कि हमारी बॉडी स्केलेटन सिस्टम और फिर जिस तरीके से मसल्स और मसल्स के बाद स्किन जो हमारी दिखती है त्वचा, तो स्किन और मसल्स के बीच में यदि कहा जाए एक पतली लेयर के रूप में ये फैट जमा हो जाता है और ये फैट जमा होकर हमारे इन्वायरमेंट में के टेम्परेचर से, मतलब अपने बॉडी का जो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है सेल्सियस, वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको एनवायरनमेंट से मेंटेन करने का कार्य करता है कि वो 37 ही रहे। जैसे कि हमें, आपने कभी सोचा कि हमें सर्दी और गर्मी का एहसास क्यों होता है? जब हमारा टेम्परेचर यानी 37 डिग्री जो होता है उससे नीचे यदि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली आपको सर्दी लगनी चाहिए, क्योंकि आप उस टेम्परेचर एनवायरनमेंट को महसूस कर रहे हैं। और यदि आपको गर्मी लग रही है तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी टेम्परेचर से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अधिक है, इसलिए आपको गर्मी महसूस होने लगती है। तो हम यहाँ फैट के बारे में पढ़ रहे हैं और फैट हमारे लिए, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और आपने जैसा कि हमने समझाया अभी कि हमारे टेम्परेचर जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने का कार्य करता है। और यह हमारे शरीर में यदि इसकी कमी हो जाती है तो हमारा शरीर रूखा रूखा हो जाता है, अर्थात वजन में भी कमी आ जाती है। और यदि यही फैट अधिक हो जाता है तो हमारा बॉडी ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। तो ये फैट का ये भी है कि यदि फैट ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में तो हमें हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी भी शुरू हो जाती हैं। तो हमें अब तुम्हें हम आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से फैट का महत्व है और हमें कितनी मात्रा उसकी उचित मात्रा ही लेना उचित होगा। यदि कम लेते हैं तो भी समस्या है और यदि अधिक लेते हैं तो और अधिक समस्या है। तो आज हम फैट के बारे में पढ़ेंगे कि फैट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, फैट हमें हमारे ताप को भी नियंत्रण करता है, जैसा कि अभी बताया कि वो हमारे एनवायरनमेंट और अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रयास करता है। दूसरी बात, यदि इसकी कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी रूखापन आ जाता है और यदि यही अधिक हो जाता है तो ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और हार्ट जैसी डिसीज भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे हम लोग आमतौर पर हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है, यही होता है वेन सेंस में, वेंस जो होती हैं अपनी, अभी पढ़ोगे आगे चल के कि जो वेंस आर्टरी होती हैं उनमें कैसे फैट जम जाता है, जिससे ब्लड जो निकलना चाहिए वो बड़ा प्रेशराइज हो जाता है। आप जैसे कि पाइप हो कोई और उसमें ज़्यादा एरिया होगा तो कम एरिया होगा तो अपना ब्लड सप्लाई बराबर करेगा, और यदि इसी में पतली लेयर और मोटी कर दी जाएगी तो वो प्रेशर से जाने लगता है।
तो यही हार्ट अटैक की रीजन होता है, क्योंकि ये फैट और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बॉडी में जमने लगता है। तो आज हम इसी फैट, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और इसके बारे में ही पढ़ने चल रहे हैं। तो ऐसे जो फैट्स जो होते हैं, ये जो हमने बताया था कि हम जो भी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल या फूड वगैरह खाते हैं, तो वो फूड मटेरियल्स चार भागों में ही डिवाइड होता है। हम कुछ भी खाएं, बाहर से कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। बॉडी हमारी चार ही चीज़ों को समझती है कि प्रोटीन है या तो कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या विटामिन है, इसके अलावा उसे कुछ मतलब नहीं। तो कुछ भी खाओ, चाहे तुम कुछ भी खाओ, तो ये डिपेंड नहीं करता। तो ये टू टाइप्स का होता है, एक सेचुरेटेड होता है, एक अनसेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड जैसे कि संतृप्त अवस्था कह सकते हो, संतृप्त अवस्था सेचुरेटेड फैट, और अनसेचुरेटेड फैट को असंतृप्त फैट कह सकते हो। तो सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड फैट, इनके सोर्स क्या हैं और इनका वर्क क्या है, अर्थात ये सेचुरेटेड क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड क्या होते हैं। तो सेचुरेटेड की बात कहें तो संतृप्त अवस्था वह फैट की वह अवस्था जो एनिमल या एनिमल के उत्पादों द्वारा उत्पन्न होती है, प्रोडक्शन होता है, उसे ही संतृप्त या सेचुरेटेड फैट कहते हैं। और यदि हम अनसेचुरेटेड की बात कहें तो वह फैट्स जो प्लांट के उत्पादों द्वारा उत्पन्न होता है, उसे अनसेचुरेटेड फैट कहते हैं। तो सेचुरेटेड फैट में और अनसेचुरेटेड फैट क्या होते हैं? सेचुरेटेड फैट कहा जाए तो सेचुरेटेड फैट में वनस्पति घी हुआ, ऑयल हुआ, घी हुआ जो हम खाते हैं डेली अपनी एक्टिविटी में, और इससे हमें सेचुरेटेड हमें ये मिलने लगता है फैट। जैसे कि हम घी खाएं और घर में तेल ऑयल यूज करते हैं, तो ये हमें डेली बेसिस पे हमें और फैट के रूप में एनर्जी प्रदान करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। और यदि इसकी कमी हो जाती है तो आप जानती हैं रोगखपन हो जाता है। इसलिए हम यदि डेली बेसिस पे बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उस बैलेंस डाइट में इन चार कंपोनेंट्स जो हमने बताए हैं कि ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और यदि फैट और विटामिन्स, यदि आपको इसकी निश्चित मात्रा एक बैलेंस डाइट के रूप में लेंगे ना, तो डिसीज होने की तो समस्या ही नहीं उठती। तो हम यहाँ सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात करें, तो सेचुरेटेड हमने बताया कि एनिमल या एनिमल के उत्पादों द्वारा जो भी उत्पन्न होता है, तो उसे हम कहते हैं सेचुरेटेड फैट। और अनसेचुरेटेड फैट उसे कहते हैं जो प्लांट या प्लांट के उत्पादों द्वारा उत्पन्न होता है, तो हम उसे अनसेचुरेटेड फैट कहते हैं। अब एक क्या बताया हमने, एग्जाम्पल दिया कि सेचुरेटेड के जैसे घी हम डेली बेसिस पे लेते हैं, ऑयल भी लेते हैं, या मछली का तेल भी जो कुछ लोग खाते हैं, या मतलब ऑयल जो होते हैं कई टाइप्स के ऑयल होते हैं, तो वही सब। और अनसेचुरेटेड में यदि सोर्स कहा जाए, तो जैसे हम आप कभी कभी कुछ भी घर में बनाने के लिए रिफाइंड का तेल यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, तो रिफाइंड ऑयल भी अनसेचुरेटेड में फैट में आता है। और अनसेचुरेटेड फैट में रिफाइंड ऑयल के साथ साथ यदि कहा जाए तो नारियल का तेल और ऑयल का तेल भी उसी में आता है अनसेचुरेटेड में। तो हमने समझा कि सेचुरेटेड ऑयल क्या होता है, अनसेचुरेटेड वो फैट क्या होता है, और सेचुरेटेड फैट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हमने समझा। यदि वैसे तो यदि कहा जाए तो फैट जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक ठोस अवस्था में ही होता, सॉलिड होता है। कि ये भाई जैसे पनीर का कोई टुकड़ा कर दिया जाए, ऐसे ही मतलब एग्जांपल कि जिस तरीके से वो होता है, तो वैसे ही भी फैट मिल सकता है, जैसे कि डालडा की ठोस अवस्था कह सकते हो। तो यदि वो सब चीज़ें ऑयल अब 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी हैं और ऑयल अवस्था में हैं, तो वो ऑयल ही होंगी, लेकिन वो फैट ही हुआ। तो हमने फैट को समझा और ऑयल को भी समझा। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का एक अणु कितनी एनर्जी देता है जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और किस तरीके से प्रोटीन का एक अणु कितनी एनर्जी देता है, इसी प्रकार से
फैट के बारे में कहा जाए तो फैट, एक फैट का अणु कितनी एनर्जी देता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि ग्लूकोज का एक अणु 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करता है। इसी तरीके से हमारा फैट भी यदि कहा जाए तो एक फैट का एक मॉलिक्यूल, फैट का एक अणु या मॉलिक्यूल किस तरीके से, फैट का एक अणु लगभग 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करता है। 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न करता है जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का एक अणु कितनी एनर्जी देता है जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और किस तरीके से प्रोटीन का एक अणु कितनी एनर्जी देता है। इसी प्रकार से फैट के बारे में कहा जाए तो फैट, एक फैट का अणु कितनी एनर्जी देता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि ग्लूकोज का एक अणु 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करता है। इसी तरीके से हमारा फैट भी यदि कहा जाए तो एक फैट का एक मॉलिक्यूल, फैट का एक अणु या मॉलिक्यूल किस तरीके से, फैट का एक अणु लगभग 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करता है। 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न करता है जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। तो आज के लिए इतना ही, और फैट को ये भी समझा कि हमें यदि फैट अधिक होने पे भी क्या समस्या है और यदि उसकी कमी होती है तो भी क्या समस्या है। कि यदि हमें कमी होती है तो हमारी बॉडी में रूखापन आ जाता है, वेट में कमी आ जाती है, विकास में भी हमारी बॉडी का विकास नहीं हो पाता है, और इसी तरीके से यदि अधिकता हो जाता है तो ओबेसिटी हो जाती है या हार्ट डिसीज होने लगती हैं। कोलेस्ट्रॉल या हमारा फैट जब हमारी वेंस उसमें आर्टरी में, अभी हार्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें ये डिसीज होती हैं। हाँ, यदि हम जो भी फूड मटेरियल खाते हैं और जो भी हमारी बॉडी में जाता है, तो हमने कहा था कि चार अवस्थाओं में जाता है, और ये कैसे जाता है और स्टोमक तक को कैसे इसका डाइजेशन होता है। अब जैसे ही हमारा न्यूट्रिएंट्स मटेरियल ख़त्म होगा तो हम उसी डाइजेस्टिव सिस्टम के में पढ़ेंगे कि किस तरीके से यही फूड मटेरियल जब हम खाते हैं तो किस तरीके से ये डाइजेस्ट होता है और किस तरीके से हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल्स तक जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि सेल्स हमारी बेसिक ऑफ यूनिट फंक्शन है हमारी बॉडी की, जो एक वैसे ही वर्क करती है जैसे कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी, अर्थात उसमें ऑब्जर्प्शन करने की भी क्षमता है, एक्सक्रीशन करने की भी क्षमता है, और उसमें अपने जैसी कॉपी बनाने की क्षमता है। हमारी बॉडी में कई सेल्स हमेशा बनती रहती हैं, डैमेज होती रहती हैं, 1 से 1.5 लाख सेल्स तो हर मिनट घंटे में डैमेज होती रहती हैं। तो सेल्स और टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे, सेल्स के समूह को टिश्यू कहते हैं, टिश्यू के समूह को ऑर्गन कहते हैं, और कैसे ऑर्गन सिस्टम बना या अर्थात हमारी बॉडी बनी, तो इन सब के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और सेल्स में ही यदि कहा जाए, जो हमने सेल्स पढ़ा है उसमें भी यदि सेल्स एक सबसे छोटी अवस्था है, सेल्स जिसे आप लोग हिंदी में कोशिका हम लोग कह सकते हैं, वह हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, जिसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, नॉर्मली नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। अब उस सेल्स में भी बहुत कुछ है, उस सेल्स में डीएनए भी होता है, माइटोकांड्रिया भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्रोटोप्लाज्म भी होता है, और यदि एनिमल है तो ये सब होता है, यदि प्लांट है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन जो अभी हमने कल प्रोटीन में डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये कैसे अनुवांशिक अपनी सेल्स की कॉपी बनाते हैं और कैसे एक दूसरे से एक नई जनरेशन में हमारे
अनुवांशिक गुणों को भेजते हैं करेक्टर को, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारी कॉपी ह्यूमन ही उत्पन्न होती है, बंदर क्यों नहीं होती। अरे अरे इंसान है, बंदर भी तो उत्पन्न कर सकता, नहीं हो सकता ना। उसका रीजन यही है कि हमारी जैसी कॉपी अनुवांशिक लक्षणों को हमारे सेल्स में जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए जो राजा बना बैठा है, वो ही मैसेंजर अपना जीन सप्लाई करने के लिए मैसेंजर आरएनए को जब इंफॉर्मेशन देता है। तो इस तरीके से मतलब अभी हम सेल्स पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइटोलॉजी। जब हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो हम बहुत ही चीज़ों को डिटेल से समझेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा उसे पढ़ने में। और आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे और इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस पढ़ते रहिए और धीरे धीरे आपको सब समझने आने लगेगा। जब आप सारे वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।